सेशन तो so, हम लोग अभी जल्दी से ये सेशन स्टार्ट करने वाले हैं ओके सो फर्स्ट लेट मी मेक श्योर वी आर कनेक्टेड एंड लाइव यस वी आर वेरी मच लाइव नाउ ओके सो गुड मॉर्निंग एवरी वन सो लेट्स वेट फॉर वन मोर मिनट ओके श्याम भारद्वाज गुड मॉर्निंग एमी गुड मॉर्निंग so have you got the notification today Anuraj, good morning sahil good morning aisha good morning subhash good morning sona good morning okay sufficient number of people have already joined us okay so Priyanka, good morning dharmesh good morning sahil i am good swathi good morning so festival season is going on so you all are from which part of this country like are you all belonging to the northern region or few of them from south east west like so good morning rohit good morning swati good morning Harsh Vardhan. good morning virus antriksh good morning Shyam Bhardwaj. okay 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 you got it okay so good morning sonam good morning raman goda so let's start this session okay there is no point of you know ओके त्रिवेंद्रम केरला ओ नाइस उदयपुर राजस्थान नाइस 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 वायरस बिहार नाइस सो वी हैव अ डाइवर्सिटी ना अंतरिक्ष यूपी ओके हिमाचल साहिल साउथ सर ए पी ओके सुधीर आंध्र प्रदेश नाइस तुषार सत श्रीकाल जी ओके साउथ साउथ पंजाब पटियाला एमी नाइस जयपुर नॉर्थनर केरला नाइस नाइस लाइक आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ स्टेइंग इन मल्टीपल स्टेट्स एन ऑल राजस्थान कोटा आई स्टेट दैन मुंबई आई स्टेट दैन कर्नाटका मैसूरू आई स्टेट ओके ठीक है सो so, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है वैसा ही ओके कर्नाटका पी एम यू आर देयर फ्रॉम कर्नाटका नाइस 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 ओके प्रियंका यू आर फ्रॉम मिडल मध्य प्रदेश ओके मिडल रीजन ओके ओके गुड मॉर्निंग मोहित गुड मॉर्निंग स्वाति गुड मॉर्निंग ओके so let's start this session okay gayatri you are from bastar nice trivendrum okay priya okay okay चलिए okay. start करते हैं फरीदाबाद बार्डवा जी आप वहां से हैं okay चलिए so us to support india's defense of territory so presently 2 plus 2 talks were going on okay to इन्होंने कुछ हमें कहा है कि ये हमें support करेंगे and this is a good thing so एक uh, agreement भी साइन किया गया है बेका okay so yesterday i told about beka also वट एग्जैक्टली देयर इन इट ठीक है ना सो दे आर गोइंग टू शेयर द जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन ओके तो ये आपको समझना है ना इसकी यूटिलिटी क्या है सो so इसकी यूटिलिटी क्या होगी वी आर अबाउट टू बाय फ्यू ड्रोन्स कुछ हथियार लेने वाले हैं वेपनरी लेने वाले हैं ठीक है ना वहाँ पे हमें जो है ऐसे डाटा सिस्टम की जरूरत है जो कि यूएस मिजाइल्स यू एस इक्विपमेंट जो है वो उस डेटा सिस्टम पे बेस्ड है सो वी वॉन्ट आर सिस्टम टू बी कंपेटेबल विद दैट ओके वी वॉन्ट आर जियो स्पेशियल सेटेलाइट सिस्टम टू बी कम्पैटबल विद दैट पर्टिकुलर वेपन विच वी विल बाय फ्रॉम यू एस उस पर्टिकुलर वेपन को जो हम यू एस से खरीदने वाले उसके साथ कंपेटेबलिटी को अश्योर करने के लिए बैका जो है वो साइन किया गया है ओके सो दिस इज द फाइनल एग्रीमेंट इससे पहले जो है अर्लियर वी साइन लिमुआ ओके लिमुआ वॉज देयर लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ओके देन किसमुआ वॉज देयर ओके सो दिस वॉज लेफ्ट भी अब कंप्लीट हो गया है ओके ना सो दिस इज द न्यूज और अच्छा है लाइक इट इट इज गुड फॉर आर आर्म आर्म फोर्सेज एंड ऑल सो यू एस जो है अपना डाटा शेयर करेगा हमारे साथ जो हमें हेल्प करेगा चाइना को काउंटर करने में नो डाउट अबाउट इट ओके सो नाओ आउटसाइडर्स कैन बाय लैंड इन जे एंड के सो वी विल टेकअप दिस थिंग इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है जे एंड के बेस्ड पार्टीज दे आर क्रिटिसाइजिंग इट ओके कि एक तरीके से आप ऑटोनॉमी ख़त्म कर रहे हो उसकी एंड दे आर कंसर्न अबाउट यू नो डायल्यूटिंग द डेमोग्राफी ओके सो आप वो दे आर सेइंग दैट वी आर डायल्यूटिंग द डेमोग्राफी वी आर ट्राइंग टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ जे एंड के ओके कि जम्मू एंड कश्मीर की डेमोग्राफी जो है वो चेंज करने वाला है इंडिया तो ये उनको डर है ठीक है ना कि कश्मीरियत जो है विल बी लॉस्ट दिस इज़ वॉट दे आर सेग ओके कश्मीरियत जो है वो चली जाएगी Okay. So apart from this, there is not much in between pages. So then we'll directly move to the editorial section. So GST and the complexity of political negotiation, we will take up this particular, you know, topic. So uh, like politic and the, there has been one question on GST. Okay. In your mains. So definitely this year also, you can expect one question because sufficient years have been passed. एटलीस्ट थ्री फोर ईयर्स है टू थाउजेंड सेवनटीन में जी एस टी वॉज इंट्रोड्यूज ओके सो वी है वी कैन डेफिनेटली एनालाइज वेदर जीएसटी वॉज इफेक्टिव और नॉट कुछ इसके अंदर इशू है के नहीं ठीक है ना कुछ उसके अंदर इशू है के नहीं ओके okay. सो so ये आपको समझना पड़ेगा एंड वी विल कवर दिसम एक्टली वट दे आर ट्राइंग टू सेन इंडियाज डिस्कोम स्ट्रेस इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पास ओके अगेन लाइक वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट फ्रॉम लास्ट four five years we are expecting this question okay on discom because the problem is that every year you know there are news that the discoms are failing discoms are failing sometimes schedule sir do something then discoms are in news okay so presently again this is in news so we will take up this particular editorial and this is important for your gs economy section okay so question can be asked from there gs economy means gs paper three okay gs paper 3 means so this particular thing is important from from that perspective then again we'll move to next page now so uh, this you have to read read on your own india's outreach to myanmar okay

उसके अंदर चाइनीज एंगल भी है तो वी विल डिस्कस दिस ठीक है ना सो चाइना लाइक वाइल डिस्कसिंग चाइना और पाकिस्तान यू हैव टू यू नो अ कॉम्प्रीहेंसिव व्यू दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा ठीक है ना चाइना पाकिस्तान दोनों को साथ में लेके ओके इन योर आंसर ऑल्सो यू नीड टू मेंशन अबाउट दैट चाइना इफ़ यू आर डिस्कसिंग चाइना देन पाकिस्तान भी आप डिस्कस करोगे ठीक है ना सो इंडिया डेजिग्नेट्स 18 परसन बेस्ड इन पाक एज टेररिस्ट ओके सो देखेंगे यहां पे कौन से एक्ट्स के अंदर ये पावर जो है उनको मिली है सो वी विल टेक अप दिस स्मॉल थिंग ठीक है ना छोटा सा एडिटोरियल देर इज नॉट मच इन इट ओके ओनली आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए ठीक है ना मेघालय स्टेयरिंग एट इकोनॉमिक ब्लॉकेट ओके सो वी विल टेक अप दिस हाउ द स्मॉल थिंग्स यू नो आर टर्निंग इन स्टेट स्टेट राइवलरी ओके तो स्टेट स्टेट राइवलरी जो है इट इज स्टिल प्रिवेलिंग इन दिस कंट्री ठीक है ना सो so, अगेन फ्यू डेज बैक आई टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग दैट शुड वी हैव अ स्ट्रोंग सेंटर ओके शुड वी हैव अ स्ट्रोंग सेंटर गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट यू कैन से सो दिस इज द प्रॉब्लम आर स्टेट आर स्टिल फाइटिंग तो हमें आप ये बताइए कि क्यों नहीं हमें स्ट्रांग सेंटर चाहिए ओके okay? सो so, ये आप इशू को ऐसे देखा कीजिए ठीक है ना सो लाइक डायनेस्टिक ये सब पॉलिटिकल इसके अंदर चल रहा है ओके सो नाउ विल मूव टू नेक्स्ट पेज दैट इज़ आर इंटरनेशनल वर्ल्ड ओके देर इज नॉट मच हेयर ठीक है ना सो यू एस टू सेल डिफेंस सिस्टम वर्थ टू पॉइंट फोर बिलियन टू ताइवान अगेन सो यू एस चाइना इज इन फोकस हेयर एंड यू एस इज यू नो सेलिंग आर्म्स टू ताइवान चाइनीज हैव ऑलरेडी रिजिस्टर्ड देयर अप्रीहेंशंस अबाउट इट दे आर नॉट हैप्पी विद इट ऑब्वियसली आपके पड़ोस में कोई हथियार आपको देखे जा रहा है तो लाइक यू विल नॉट फील हैप्पी अबाउट इट एंड स्पेशली योर एडिवर्सरी आपका एडवर्सरी इनसिक्योरिटी जो है आपकी वो जरूर नजर आ जाएगी ओके okay? सो so, ये इन्होंने बताया है देन ब्लास्ट इन पाकिस्तान दिस इज अगेन अ ट्रेजिक थिंग ओके सो ये भी गड़बड़ है देन फ्रांस कॉल टर्कीज इवन फर्दर फ्रॉम यू सो बेसिकली टर्की ने जो है एक स्टेटमेंट दिया था कि फ्रेंच गुड्स को बॉयकॉट करो लाइक like, टर्की जो प्रेसिडेंट है एर्दोगान ही सेड दैट पीपल शुड नॉट बाय द फ्रेंच गुड्स ओके सो नाउ

There is a projecting thing that, like, if you talk about 2021 to 2022 economy, okay. So things are going to be fine, and from few agencies, okay, few agencies are saying that our growth rate might reach 7 to 8 percent. So this is the remarkable thing, okay. So our bounce back will be good. ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आर बाउंस बैक विल बी गुड जॉब विल बी क्रिएटेड ओके अदरवाइज सिचुएशन इज़ यू नो गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल प्रेजेंटली सो लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल सो लेट मी एड्रेस योर डाउट्स फर्स्ट ओके इफ़ यू हैव एनी सर डेली द हिंदू यस अजे डेली द हिंदू सुवंकर गुड मॉर्निंग ओके हामिद पाशा पैसा एक्ट ओके नाइनटीन नाइनटी सिक्स यस येस पंचायत ओके

there is a terminology which states that india is a non nato ally okay so we are not enjoying all the facilities which nato country is enjoying तो वैसा नहीं है वो हमारे को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनी मेंटेन करने के लिए भी चाहिए दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड ओके स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम किसी के प्रेशर में नहीं आ सकते यूएस बहुत जगहों पे जो है लड़ाई शुरू कर देता है तो आप अपनी आर्मी को नहीं भेजोगे यूएस के चक्कर में ओके सो गुड मॉर्निंग मकसूद गुड मॉर्निंग ओके गुड मॉर्निंग ऑल एच गुड मॉर्निंग चलिए सो लेट स्टार्ट दिस सुजीत गुड मॉर्निंग सुमित गुड मॉर्निंग ओके

इक पीपल ऑफ जे एंड के एंड जम्मू ऑल्सो दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी विद दैट सो वट दे आर सींगट ट्रेडर्स फ्रॉम यू नो मेनलैंड इंडिया दे हैव बिग पॉकेट्स ओके सो दे रिड्यूस देर अपॉर्चुनिटी तो वहां का लोकल जो एक तरीके से प्रोड्यूसर है उसके लिए अपॉर्चुनिटी यहां पर कम हो जाएगी तो so ऐसा जो है डर दिखाया गया है ओके okay? वो बता रहे हैं कि ये उनको डर है इवन पीपल इन जे एंड जम्मू आर नॉट हैप्पी विद दैट जम्मू वाले भी इससे खुश नहीं है ठीक है ना तो ये आपको जो डेवलपमेंट है ये समझनी पड़ेगी ओके okay, सिर्फ कश्मीर कश्मीर तक कन्फाइंड नहीं है ये अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट ठीक है ये किया गया है एग्रीकल्चरिस्ट ओनली एग्रीकल्चरिस्ट ऑफ जे एंड के कैन परचेज एग्रीकल्चरल लैंड दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग एग्रीकल्चरिस्ट ऑफ जे एंड के ओके ही हैज टू बी अ नेटिव ऑफ जे एंड के बाहर से कोई भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकता ओके एचपीएस नाउ योर कंसर्न हैज बीन एड्रेस्ड ठीक है ना एग्रीकल्चर लैंड इज चीप बट आउटसाइड जे एंड के एग्रीकल्चरिस्ट विल नॉट बी एबल टू बाय दैट ठीक है ना ंड है, ठीक है ना करेंगे इंडिया से बड़े बड़े ट्रेडर्स जाएंगे दे हैव बिग पॉकेट्स एंड ऑल लोकल छोटा ट्रेडर है दे कांट कंपीट ओके दिस इज द रियलिटी ठीक है ना सो साउंड इशू स्टिल देयर एंड देर इज लैग ऑल्सो साउंड इज नॉट कमिंग नॉट ऑडिबल नॉट ऑडिबल ओके ओके सो मुझे तो साउंड आ रही है आपकी I I am am able able to 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 like, to listen listen you. you. Like, Okay, मुझे तो सुन रहा है like my phone is working fine. Okay, let's continue it. गड़बड़ चल रही है to to बीच में कुछ लगता है कुछ हो रहा है इसके अंदर सो यू एस टू सपोर्ट इंडिया डिफेंस टेरिटरी ठीक है ना बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट ऑन जियो स्पेशल कॉपर एंड इन दू नो बिगिनिंग ऑफ दिस इज देयर ठीक है ना सो एम यू आर सेंगे टू टू फोर मिनट नहीं आई आवाज ओके okay? अभी ठीक है सो so, ये कुछ गड़बड़ हो रही है यार ये सेशन को लग रहा है कोई सेबोटाज कर रहा है आई स्टिल डाउट दैट ओके

सो अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट मिनिस्ट्री हैज बीन एम्पावर्ड ठीक है ना ये आपको समझना है टेररिस्ट को डेजिग्नेट करने के लिए ओके okay? सो so, पिछला कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो उसको दोबारा कर लेते हैं देखो सो बेसिकली नाउ ट्रेड आउटसाइडर्स कैन बाय लैंड ये रियलिटी होगी ठीक है ना पीपल इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स वो इस लैंड को खरीद पाएंगे और वहां पे बिजनेस एक्टिविटी को प्रमोट कर पाएंगे तो बेसिक आइडिया हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आइडिया क्या है ओके दे वॉन्ट टू प्रमोट द बिजनेस एक्टिविटी कश्मीर के अंदर बिजनेस एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहते हैं दिस इज एन आइडिया ये हमारी गवर्नमेंट चाह रही है एंड दिस इज गुड इन वन वे दिस इज़ वेरी गुड ओके तो यहां पे होगा क्या बिजनेस होगा इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट ओके कश्मीरी यूथ दे विल गेट एम्प्लॉयमेंट अदरवाइज टेररिस्ट उनको रिक्रूट करते रहेंगे ठीक है ना तो कश्मीरियों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत जरूरी है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी ये रिलेटेड है ठीक है अदरवाइज वो टेररिज्म की तरफ बढ़ते जाएंगे ओके सो अगेन बट जो कश्मीरी पार्टीज हैं कि वट दे आर सींग दैट इट माइट डायल्यूट द कश्मीरी आइडेंटिटी

जो भी उनके इश्यूज हैं वो आपको एक तरीके से एक्सप्लेन वहां पे करने पड़ेंगे बताने पड़ेंगे ठीक है सो so ये मैंने बता दिया कि आर्मी ऑफिसर बिलो नॉट बिलो द रैंक ऑफ कोर कमांडर मीनस कोर कमांडर एंड अबव कैन डिक्लेयर द एरिया एज स्ट्रेटेजिक एरिया फॉर ऑपरेशनल थिंग और ट्रेनिंग पर्पज के लिए ठीक है ना ये आप इसके अंदर जरूर मेंशन करना सो यूएस टू सपोर्ट इंडिया डिफेंस टेरेटरी ओके वो बेसिकली इंडिया की सोवरेनिटी को भी रिस्पेक्ट करते हैं एंड दे आर रेडी टू सपोर्टर्स और जितनी हम डिमांड करेंगे उतना लाइक वी आर हैविंग डिफरेंसेस विद चाइना राइट नाउ ऑन आर बॉर्डर्स सो यूएस ने लाइक मल्टीपल टाइम्स दे हैव सेड दैट इट डिपेंड्स अबॉन इंडिया व्हाट सॉर्ट ऑफ हेल्प दे वांट ओके सो नाउ बेका एज आई टोल्ड यू वी आर अबाउट टू बाय फ्यू ड्रोन्स ड्रोन्स प्लस मिजाइल सिस्टम ओके सो दैट मिजाइल सिस्टम पर्टिकुलरली वर्क्स ऑन यूएस एस सेटेलाइट इन्फॉर्मेशन ओके सो वी वॉन्ट कॉम्पेटेबिलिटी हमें कॉम्पैटिबिलिटी चाहिए ओके वी हैव आर ओन सेटेलाइट सिस्टम तो एक तरीके से उसको हम अच्छे से ऑपरेट कर सकें इंटर ऑपरेबिलिटी जो है वो अच्छी हो सके दैट्स वाई वी आर साइनिंग दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट ठीक है ना ये आपको समझना पड़ेगा ओके सो so ये एक बहुत अच्छी चीज है अगेन मिलिट्री टू मिलिट्री यूज इसका अच्छा होगा ओके वहां पर इसकी यूटिलिटी भी ज्यादा होने वाली है देन इंडिया डेजिग्नेट्स एटीन परसेंट बेस्ड इन पाक एज टेररिस्ट ओके तो अब आउटसाइड इंडिया के लोगों को भी हम टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट दिस इज द थिंग दैट यू शुड नो ठीक है ना जो ये डेजिग्नेशन हुआ है मिनिस्ट्री जो ये कर रही है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कर रही है एंड दिस इज जस्ट यू नो इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स सिर्फ प्रीलिम्स के लिए आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा ओके देन अगेन लाइक इफ देर इज सम क्वेश्चन रिलेटेड टू टेररिज्म ओके

प्लस टू दो मिनिस्टर हमारे टॉप के बढ़िया वाले उनके भी दो टॉप के बढ़िया वाले चलिए आगे ओके मेघालय स्टारिंग अ इकोनॉमिक इकोनॉमिकट सो नाउ नाटी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग असम स्टूडेंट यूनियन दे आर दैट मेघालय शुड एंड दिस इकोनॉमिक ब्लॉकेट मेघालय क्यों कर रहा है ऐसा मेघालय को डर है किस लिए क्योंकि कोविड फैल जाएगा ओके okay? वो एक तरीके से मेघालय इज अगेन एंड अगेन इंपोजिंग लॉकडाउन एंड ऑल नैन नाउ हैप्पी विद दैट वट दे आर सींग दैट मेघालय पीपल मेघालय वो हमारे यहाँ पे आके बिजनेस करके जा रहे हैं वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग दैम वाई आर यू रिस्ट्रिक्टिंग अस इसको लेके ये गड़बड़ हो रही है नाउ एज आई टोल्ड यू स्टेट स्टेट राइवलरी ओके स्टेट स्टेट राइवेलरी ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज है ठीक है ना ये आपको समझना पड़ेगा सो लाइक आफ्टर एनालाइजिंग दिस पर्टिकुलर परस्पेक्टिव दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी कैन अंडरस्टैंड दैट वाई वी नीड अ स्ट्रॉन्ग यूनियन ओके वाई वी नीड अ स्ट्रॉग यूनियन स्ट्रॉन्ग यूनियन क्यों चाहिए हमें ठीक है ना दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज वी स्टिल हैव दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम समवेयर वी आर हैविंग नो रिवर वाटर डिस्प्यूट कभी कभी रिवर वाटर डिस्प्यूट भी आने वाला है वो भी यहां पे पंगा करता है ओके स्ट्रॉन्ग यूनियन आ गया वो एक तरीके से पंगा करता है मतलब स्ट्रॉन्ग यूनियन इन द सेंस कि स्ट्रोंग यूनियन उनको बचाने के लिए चाहिए ओके okay? कभी ये पीपल टू पीपल डिफरेंसेज आ गए सो so, प्रॉब्लम्स एकदम आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए दैट्स वाई वी नीड स्ट्रॉग यूनियन एक तरीके से बोलते हैं ना मीडिएटर का काम करना कोऑर्डिनेटर का काम करना दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल लाइज विद द विद्रॉग यूनियन स्पेशली द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ओके पीएमओ को डायरेक्ट इंटरवेन करना चाहिए इफ थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ हैंड ठीक है ना ये आपको समझना पड़ेगा नेगेटिव और जीरो ग्रोथ बट फर्म रिकवरी ओन ओके सो नाउ दे आर एवरीथिंग विल बी फाइन

सो नाओ दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एक्टिविटी वाज नॉट मच इम्पैक्टेड मीन्स दैट इन लास्ट यू नो सिक्स टू एट मंथ्स रूरल इनकम्स ओके रूरल इनकम्स वर स्टिल देयर इट मीन्स दैट देर इज अ गुड चांस दैट इकोनॉमी रिवाइवल ईजी हो जाएगा बिकॉज दे विल द वन हु स्पेंडिंग मनी नाउ ओके तो वो अब लोग बाय करेंगे एंड स्पेशली जूरिंग द फेस्टिव सीजन फेस्ट सीजन में क्या होता है विलेज से जो है लोग वहां आते हैं ठीक है ना सिटीज में आते हैं और वहां से एक तरीके से वो चीज़ें परचेज करते हैं मल्टीपल एरियाज में ऐसा ही होता है ठीक है ना ये आपको समझना पड़ेगा तो इसी को देखते हुए लाइक दिस इज वर्ड शी हैज सेड दैट थिंग्स विल बी फाइन एग्रीकल्चर हमारा इतना इंपैक्ट नहीं हुआ था एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डिमांड फॉर ड्यूरेबल्स एग्रीकल्चर इक्विपमेंट ट्रैक्टर्स व्हीकल्स सब जो है बड़ा है ओके एग्रीकल्चर एक तरीके से इज अंडरस्टैंड इन द प्रेजेंट सिनेरियो ओके सो फेस्टिव सीजन इज कमिंग थिंग्स माइट इंप्रूव एंड इफ यू लाइक पिक डाटा फ्रॉम परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स सो वट इट इज सेट स्टूड एट फिफ्टी ओके हाइएस्ट हाई ए ट्वेंटी के बाद अब तक मीन्स चीजें अच्छी होंगी ही होंगी ठीक है ना ये आपको समझना है सो so, गवर्नमेंट वट प्रेजेंटली गवर्नमेंट इज डूंग गवर्नमेंट इज पुटिंग मनी इन इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया बुस्टिंग एग्रीकल इजिंग फार्मूस एक्सपोर्ट ओके दीज आर दरियाज इन विच गवर्नमेंट इज कंसेंट्रेटिंग तो गवर्नमेंट जो है एसेट बिल्डिंग का काम कर रहा है विच विल बी हैिटी फॉर लॉन्ग रन ओके सो लॉन्ग रन यूजेबिलिटी होगी इसकी दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड ठीक है ना लॉन्ग रन यूजेबिलिटी ओके सो so, ये गड़बड़ जो है रहने वाली है ठीक है ये गड़बड़ अब धीरे धीरे दूर होने वाली है ऐसा जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है ओके okay? सो so, आगे देखिए अच्छा अब नाउ शी सेट दैट इंडिया शुड हैव अ ग्रेटर रोल इन सेटिंग द ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस ओके एज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ द एनर्जी नाउ लाइक यस्टरडे वी डिड वन थिंग देयर कैन बी अ बायर्स ओपैक ओके बायर्स ओपैक ठीक है ना एक बायर्स ओपैक बना लो एंड इन दैट वी कैन यू नो कोऑपरेट विद चाइना प्लस इंडिया सो चाइना प्लस इंडिया कैन ज्वाइंटली प्लेस देयर ऑर्डर ओके दोनों मिलकर ऑर्डर प्लेस करें तो प्राइसिस विल भी मोर रिड्यूस्ड यह आपको समझना है एंड वी कैन गिव दिस आइडिया टू चाइनीज ऑल्सो एंड यू कैन मैंशन अबाउट दिस सोल्यूशन इन योर आंसर ऑल्सो इफ यू आर यू नो एड्रेसिंग इंडिया चाइना प्रॉब्लम इंडिया डाइना क्वेश्चन एंड वहां पर एक्जैक्टली आप उसको लिख सकते हैं ठीक है ना दीज आर द एरियाज वेयर वी कैन कोऑपरेट विद चाइनीज ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अफगानिस्तान इज अदर एरिया कि आप ज्वाइंटली अफगानिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए ज्वाइंटली जो है ऑयल के लिए एक तरीके से आप ऑर्डर प्लेस कर लीजिए ठीक है ना दो बिग अमाउंट होगा तो वो प्राइसेस प्राइस जो है वो स्लैश हो जाएंगी एंड यू विल मोर बार्गेनिंग पावर ऑल्सो ओके ये सो लेट्स स्टार्ट द गिलगित बल्तिसान गेम प्लान नाउ ओके दिस पर्टिकुलर थिंग देखते हैं इसके अंदर क्या है ठीक है ना प्रीति गुड मॉर्निंग ओके तो देखिए

पाकिस्तान जो है तो वो भी एक तरीके से यहां पे काम करने चाहता है पाकिस्तान चाहता है कि मैं भी कुछ ऐसा बड़ा करूं सो दैट्स व्हाई नाउ दे हैव यू नो टेकन अ डिसीजन और इट इज इट इज अबाउट टू कम इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ सेंट्रल प्रोविंस ओके इट इज अबाउट टू कम और कई जगहों पे ऐसा सुनने में आया कि बैक द एंड वो चल भी चुका है हो भी चुका है ओके सो वी विल पिकअप दिस थिंग क्या एग्जैक्टली exactly है सो so, पोर्ट्स इंडिकेट दैट पाकिस्तान गवर्नमेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग ओके, सो देर इज सम हिस्ट्री एसोसिएटेड विद इट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सो देर वॉज डोगरा रूल ठीक है ना डोगरा रूल था जे एंड के अंदर एंड अलॉन्ग विदगित बल्तिसान के अंदर भी डोगरा रूल था एंड बेस ऑन दैट दैट गिलगित बल्तीस्तान वॉज पार्ट ऑफ योर जे एंड के इंडिया क्लेम डालता है कि इट इज इलीगली ऑक्यूपाइड ओके सो वट एवर एक्शन प्रेजेंटली जो पाकिस्तान यहां पर ले रहा है पाकिस्तान कोई भी जो है एक्शन यहां पे ले रहा है उसको जो है इंडिया कहता है कि वो है है बिकॉज दिस दिस इज पार्ट पार्ट ऑफ इंडियन इंडियन ओके ये का यू हैव टू अंडरस्टैंड बट द रीजन हैज द हैज्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑल्सो सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी है लाइक यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस इज योर अफगानिस्तान थिंग ओके बहुत ऊपर बाकी रीजन भी लग रहे हैं ठीक है ना यहां पे आपका पूरा सेंट्रल एशिया आ जाएगा ओके okay? जस्ट थोड़ा सा ऊपर सो इट हैज अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑल्सो एंड लाइक चाइना इज ऑल्सो देयर ओके सो इफ यू सी द हिस्ट्री सो अगर हम हिस्ट्री को देखें तो गिलगित एंड इट्स ऑफिसर्ड लोकल आर्मी ओके अपनी खुद की उसकी ब्रिटिश ऑफिसर्ड लोकल आर्मी थी जिसको बोलते थे गिलगिट स्काउट मीन्स ब्रिटिश इंडियन आर्मी नहीं थी देव देड अ सेपरेट सिस्टम जो वहां पर चलता था ओके okay. उसी को ध्यान में रख के पाकिस्तान कहता है कि इट हैज अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ओके ये उन्होंने कहा है कि जो गिलगित okay? अच्छा, को काउंटर करना है सपोज इंडिया जो है गिलगित बल्तीस्तान के ऊपर भी क्लेम डाल देगा बिकॉज कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड इशू ठीक है ना जे एंड के इज अ डिस्प्यूटेड इशू ओके ये प्रॉब्लम है ठीक है ना सो वाइड चेंज स्टेटस नाउ सो so, अब क्यों एकदम से स्टेटस को चेंज किया सो एज आई टोल्ड यू ए थ्री सेवनटी के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ करता है करता है ठीक है ना लो नकलची बंदर आपने सुना है like you must have heard about बंदर, okay? so, वही है वैसा ही कुछ कुछ होता है वहां पे ठीक है ना जो इंडिया करता है उसको पैरलि वो भी रेप्लीकेट करते हैं ओके okay? सो so, ये पाकिस्तान एक और मैसेज मैसे देना चाहता है कि कश्मीर इशू खत्म ना हो जाए बिकॉज इंडिया एब्रोगेटेड आर्टिकल थ्री सेवन इट मीन दैट

एथनिक so, जो है वो डिस्टिंक्टिवनेस अभी भी है गिलगित हैल्तिस्तान में डेमोग्राफी okay? so, बट तक ऐसा नहीं हो पाया है ओके अच्छा चाइना एनकरेजिंग इस्लामाबाद टू टर्न गिलगित टोल्ड यू चाइनीज आर बैक यू नो चाइनीज आर बैकिंग इन ईच एंड एवरी ओके चाइनीज मेजर रोल प्ले कर रहे हैं एज आई टोल्ड यू चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी वहां से जा रहा है ओके okay? चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो चाइना ये कभी नहीं चाहेगा ओके okay? चाइना का बहुत बड़ा वहां पे इन्वेस्टमेंट है और चाइना ये कभी नहीं चाहेगा ओके ठीक है ना तो ऑडियो का कोई प्रॉब्लम नहीं है यार अपने पे चेक करो ठीक है ना सो so, गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो वहां पे चाइना इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा खासा है ओके बीजिंग इज इंटरेस्टेड इन गिलगित फॉर्मली फ्रॉम कश्मीर फ्यूचर के अंदर सपोज इफ इंडिया पाकिस्तान दे आर फाइटिंग फॉर कश्मीर सो तो एटलीस्ट गिलगित बल्तिस्तान अलग हो जाए क्योंकि वहां पर उन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं ओके ये अच्छा सो इसके अगर आप देखिए तो इंडिया के साथ भी ये मैसेजिंग है ओके इंडिया को भी मैसेजिंग है इसके अंदर कि लाइक इंडिया ने जो मूव किया था ओके okay, लद्दाख को जे एंड के से अलग करने का कि चाइना को यह डर है कि इंडिया माइट यू नो लुक फॉर अक्साई चिन इन फ्यूचर इंडिया माई यू नो लुक फॉर अक्साई चिन ये उनको डर है ओके okay? तो एक तरीके से यहां स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भी होती है पर्टिकुलर यू नो एक्शन के अंदर ठीक है ना स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग का भी यहां पे एक कंपोनेंट है ओके कि इंडिया आपने ऐसा किया लो वी आर काउंटरिंग दिस वी आर काउंटरिंग यू इन दिस वे हम आपको वैसे काउंटर कर रहे हैं ओके आप ये करोगे हम वैसा काउंटर कर देंगे दिस इज वॉट दे आर ट्राइंग टू डू ओके ऐसा वो कोशिश कर रहे हैं ठीक है ना सो अगेन एज आई टोल्ड यू चाइनीज कंसिडर दिस रीजन एज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन ओके बिकॉज लद्दाख के अलावा जिंजियांग रीजन वो भी इस पूरे रीजन के अंदर लगता है ओके okay, ये चाइना के अंदर पड़ता है पर्टिकुलर रीजन ठीक है ना सो so, वहां से भी ये चाइनीज के लिए इंपॉर्टेंट है एंड चाइना वॉन्ट्स टू प्लेस इट्स मिलिट्री मिलिट्री प्रेजेंस यहां पे हो जाए सपोज लाइक इन द यू नो ऑन द लद्दाख रीजन अगर हम लोग लड़ते हैं ओके सपोज इफ यू फाइट अ वॉर विथ चाइनीज ओके सो वहां पे चाइना ये चाहेगा कि दो तरफ से इंडिया को एंगेज किया जाए सो चाइना वॉन्ट्स टू प्लेस इट्स मिलिट्री इन दिस पर्टिकुलर रीजन ओके अच्छा उस सिचुएशन के अंदर चाइना ये नहीं चाहेगा कि लोग जो है लाइक इंटरनेशनल कम्युनिटी वो चाइना को क्रिटिसाइज करें ओके okay? इसीलिए भी ये मूव को ऐसे एंगल से भी आपको देखना है ये वॉर परस्पेक्टिव से भी टैक्टिकल यूज भी है इसका ठीक है ना स्ट्रेटेजिक तो है टेक्टिकल भी है ओके okay, वो भी कॉम्पोनेंट आपको समझना पड़ेगा ठीक है ना सो ऑलरेडी चाइनीज सिविलियन जो है वो इस रीजन में प्रेजेंट है सीपेक को लेकर वो डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं ओके okay? अच्छा ये सो डीलिंकिंग रीजन फ्रॉम कश्मीर डिस्प्यूट वुड मेक इट ईजियर फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एक्सेप्ट द चाइनीज प्रेजेंस ये यहाँ पे हो जाएगा ज्यादा शोर नहीं मचाएंगे अदरवाइज लोग ये कहेंगे कश्मीर तो डिस्प्यूटेड एरिया है चाइनीज जो है उसके अंदर इंटरवीन कर रहे हैं पाकिस्तान की साइड ले रहे हैं नाउ दे विल नॉट से एनीथिंग लाइक दैट ओके सो अब वो ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे ठीक है ना सो इट वॉज ऑल्सो सर्व द पाकिस्तान पर्पज ऑफ गेटिंग बैक एट इंडिया फॉर एब्रोगेटिंग आर्टिकल थ्री सेवनटी ओके सो दे यू नो माइट पुट प्रेशर ऑन इंडियंस ऑल्सो कि ओके सर लाइक वी विल ऑल्सो हम लोग भी पीछे वापस आ जाएंगे आप लोग भी पीछे वापस आ जाइए ओके okay? इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए भी एक तरीके से ऐसा करने की ये सोच है ओके इट माइट कॉम्प्लिकेट द स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट फॉर इंडिया ये पूरा एंगल है जो आपको समझना है ओके सो बेसिकली एट द एंड दे आर सजेस्टिंग शोर मचाने से काम नहीं चलेगा रेटोरिक जो है उससे बात नहीं बनने वाली रिटोरिक हिट से यू हैव टू डू समथिंग एल्स ओके वी हैव टू थिंक डिफरेंटली इसके अंदर वो सारी की सारी जो है कहानी समझनी पड़ेगी ओके सो दिस वॉज द गेम सो लेट मी एड्रेस यूर डाउट सो फाइटर डॉग्स यू आर सेइंग दैट सर चंडीगढ़ में कहां है आपका कोचिंग लाइक वी आर लोकेटेड इन दैनिक भास्कर बिल्डिंग ओके सेक्टर ट्वेंटी फाइव ओके सो लद्दाख फ्रॉम जे एंड के बेनिफिटेड इंडिया सी इट वॉज द डिमांड ऑफ लद्दाखी पीपल ओके परानु ध्यान यू आर सेंग दैट कि इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ है यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस लदाखी पीपल देयर डिमांड वाज डैट कि हमारी डेवलपमेंट हेम्पर हो रही है बिकॉज ऑफ कश्मीर इशू ठीक है ना कश्मीर इशू पर आप लोग लड़ते रहते हो हमारा कोई वहां पर एक तरीके से इतना इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ओके वाई शुड आर डेवलपमेंट सफर तो ये लद्दाखी लोग ऐसा बोलते थे वे देर वॉज डिमांड कि इट शुड बी लाइक मेड अर यूनियन टेरेटरी ओके फ्रॉम देयर एंड तो इंडिया डिड दैट ठीक है ना वहां के लोगों की वैसी डिमांड थी ओके okay? तो आगे देखिए सो जीएसटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिकल नेगोशिएशन विद द सेंटर्स एक्शन इन द कोविड 19 फेज अफेक्टिंग द फेडरल आर्किटेक्चर लाइज इन स्टेट फॉलोइंग दूट ओके सो नाउ सेंटर स्टेट रिलेशन का यहां पर एंगल आ गया है ओके एंड लाइक दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द कोलिशन पॉलिटिक्स ऑल्सो ठीक है ना कोलिशन पॉलिटिक्स का भी थोड़ा एंगल इन्होंने यहां पे बताया है ओके okay? देखिए आगे चलिए सो so,

ठीक है कंपनसेट कर देगी गवर्नमेंट टिल 2022 ट्वेंटी टू ओके दिस वॉज द डील एंड इसके अंदर क्या था कि जो रेट डिसाइड होंगे ठीक है ना टैक्स रेट विल बी दैट डिसीजन विल बी टेकन अप बाय द जीएसटी काउंसिल ओके ये डिसाइड हुआ था कि स्टेट विल लूज इट्स यू नो ऑटोनोमी टू डिसाइड टैक्स रेट जो स्टेट के टैक्स वगैरह लगते थे वो स्टेट नहीं लगाते थे ओके सो दिस वॉज द आइडिया So ना okay? हो प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर कोविड आया चाइना आया ओके हो गई डाउन ओके रेवेन्यू हो गया डाउन सो रेवेन्यू डाउन हो गया तो कहां से कंपनसेट करे सेंट्रल गवर्नमेंट ये उनके सामने डायलोमा था दिस वॉज द डायलोमा विच सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज फेसिंग ओके सो दिस एंड अप एज अ टसल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट सो एट द एंड ये एक तरीके से टसल बन गया सेंटर और स्टेट के अंदर एंड आर फेडरलिज्म ऑलसो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्राइम मिनिस्टर ही यूज़ टू यू नो टॉक अबाउट लाइक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अलॉट ओके सो नाउ दैट केम अंडर थ्रेट वो यहां पे थ्रेट के अंदर आ गया और वहां से प्रॉब्लम सारी की सारी शुरू हो गई ओके सो एज आई टोल्ड यू दिस इज द डेजी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ओके वन सिंगल डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स दिस वॉज द आइडिया ठीक है ना स्टेट ऑलमोस्ट गेव अप देयर पावर्स टू टैक्स ओके एक्जैक्टली उन्होंने सब कुछ अपना छोड़ दिया था एंड जी एस टी काउंसिल उनके अंडर सब कुछ डाल दिया था ठीक है ना वो डिसाइड करेंगे टैक्स रेट वगैरह क्या होंगे एंड सेंटर एंड द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स वो इसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे ओके सेंटर और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स सो सेंटर और स्टेट दोनों के कॉपरेशन के साथ जो है ये डिसीजन लेना था और वही जो है एक तरीके से किया गया ठीक है ना ये आपका जीएसटी काउंसिल का एंगल था ओके ये उनका रोल था अच्छा नाओ दिस फेडरल बार्गेन ओके जो होता था स्टेट्स सेंटर एक दूसरे के साथ बार्गेन करते थे ठीक है अच्छा अब दिस केम अंडर स्ट्रेन ओके डायरेक्टली वो जो है स्ट्रेन के अंदर आ गया बिकॉज देर वॉज मैसिव रेवेन्यू शॉर्टफॉल एंड रिसोर्सिस वर नॉट अवेलेबल कंपनसेशन के लिए भी पैसा नहीं आया ओके सो कंपनसेशन सेस लगता है एक ठीक है ना कंपनसेशन सेस लगता है 28 परसेंट जो रेट है स्लैब है उससे ऊपर लगता है वो ओके okay? और सिन गुड्स के ऊपर लगता है ठीक है ना लग्जरी गुड्स के ऊपर लगता है ओके कंपनसेशन सेस सो नाउ व्हेन योर इकोनॉमी इज नॉट मूविंग अप से लग्जरी कोई करेगा ओके okay? कहां से कोई चीज खरीदेगा सो एवरीथिंग वॉज डाउन सो जो सेस कलेक्शन था वो भी डाउन हो गया सो दिस वॉज द प्रॉब्लम सेंटर के पास भी पैसा नहीं था ओके एंड वट वॉज अपेयरिंग इज दैट सेंटर वॉज एग्रीमेंट no की वो जो कंपनसेशन देने का एग्रीमेंट हुआ था कि सेंटर वॉज नॉट कमिटेड टू दैट ओके सेंटर इज मूविंग अवे फ्रॉम दैट स्टेट उसको ऐसे ले रहे थे एंड दिस वॉज द प्रॉब्लमैटिक थिंग ओके अच्छा इससे जो है एक तरीके से रिलेशन जो है वो फेल हो गया कंसेंस जो है वो नहीं बिल्ड हो रहा था ठीक है ना अच्छा नाव यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग सेंट्र गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें की कैसे की देखो स्टेट गवर्नमेंट के लिए फिजिकल डेफिसिट का जो लिमिट था उसको इंक्रीज कर दिया गया ओके okay? वो इसको ब्रीच कर सकते हैं आगे जा सकते हैं देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत चीजें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने की हैं ठीक है ना अपने एंड पे ओके बट नाउ सेंटर वॉन्टेड स्टेट टू डू मोर डू इन द सेंस दैट दे शुड बोरो मोर ओके सेंटर ने एक तरीके से उनको बोला स्टेट्स वर नॉट रेडी फॉर दैट मोस्ट स्टेट्स प्रेफर दैट सेंटर शुड बोरो जितना शॉर्टफॉल हो रहा है मार्केट से बोरोइंग करनी है नाउ सेंटर शुड बोरो इसको लेके डिफरेंसेस थे एंड देर वाज ट्रस्ट डेफिसिट आल्सो ओके ट्रस्ट डेफिसिट भी बहुत बढ़ गया दोनों के बीच सेंटर और स्टेट के बीच बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अक्टूबर के अंदर डिसीजन लिया गया ओके okay, लाइक like सेंटर वॉज अंडर द प्रेशर यू नो बहुत प्रेशर में आ गया एंड फाइनल डिसीजन लिया गया कि सेंटर विल बोरो नाउ ओके सेंटर पूरा का पूरा जो भी शॉर्टफॉल है वो बोरो करेगा मार्केट से एंड वो कंपनसेट कर देगा ये जो है एक तरीके से कहानी बनी नाव ये जो इकोनॉमिक डिसीजन लेना था ओके दिस वॉज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स ये यहां पे गड़बड़ हो गई ओके okay. क्यों ये एक पॉलिटिकल गेम बन गया ठीक है ना इट एंड अप एज अ पॉलिटिकल गेम बिटवीन ऑपोजिशन एंड द रूलिंग पार्टी ओपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में जो है गड़बड़ हो गई और एक तरीके से यह गेम वैसा बन गया ओके okay? सो so, ये प्रॉब्लम यहां से भी आपको समझनी है एंड नाउ दे हैव एक्सप्लेन एवरी थिंग एज पर दोलिटिकल सिस्टम ऑल्सो की नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम ओके दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली लिंक टू योर सेंटर स्टेट रिलेशन नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर सेंटर एंड स्टेट रिलेशन ओके दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड सो वेन देर इज अ सिंगल पार्टी इफ सिंगल पार्टी इज रूलिंग स्टेट एंड सेंटर ठीक है ना तो डिफरेंसिस नहीं होते हैं बिकॉज देर इज ओनली वन पावर सेंटर एवरी थिंग इज सेंट्रलाइज ओके सो हिस्टोरिकल जो हमारा एक तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो वेन पोस्ट इंडिपेंडेंस कांग्रेस वॉज रूलिंग द स्टेट एज वेल एज द सेंटर थिंग्स वर गोइंग वेरी स्मूथ ओके फेडरलिज्म के अंदर बहुत चीजें स्मूथ हो रही थी देन रीजनल पार्टीज स्टार्टेड केमिंग अप इन द स्टेट रीजन ओके रीजनल पार्टीज वो इमर्ज हुई एंड देन द प्रॉब्लम स्टार्टेड उसके बाद डिफरेंसिस हुए और ये गड़बड़ ओपोजिशन वाला जो गेम है वो सेंट्रल स्टेट का गेम बन गया ओके बिकॉज ओपोजिशन की जो पार्टी और वहां पर काउंटर करने लगे okay? ये कहानी बनी सो डिसन कांग्रेस पार्टी कॉन्सोलिडेटेडिशन सो नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस थिंग ओके कि कैसे नॉन कांग्रेस पार्टी बनने लगी तो देन दे स्टार्टेड अपोजिंग मीन स्टेट्स वर मोर प्रो स्टेट वर मोर प्रोडक्टिव इन देर डिमांड प्रेजेंटली यहां पर भी ऐसा हो रहा है तो ओपोजिशन रूल्ड स्टेट दे आर डिमांडिंग कंपनसेशन फ्रॉम सेंटर तो जो जहां पर बीजेपी चल रही है they are, they are उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके okay? ये कहानी आपको समझनी है सो गवर्नमेंट ऑपोजिशन रिलेशन इंक्रीजिंगली कलर्ट देंटर स्टेट रिलेशन ओके को एंगल भी यहां पर भी आ गया, गया। सो नाउ आफ्टर दैट आर्टिकल 356 का मिस यूज होता था ठीक है ना प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने के लिए गवर्नर की पावर मिस यूज होती थी डिस्क्रिशनरी पावर को मिसयूज करते थे गवर्नर की देन डिस्क्रिशनरी सेंट्रल ग्रांट्स उनको भी कैसे देना है कैसे नहीं देना सेंटर वॉन्ट्स टू डोमिनेट सेंटर वॉन्ट्स टू डोमिनेट ब्लैकमेलिंग होती थी कि आप ऐसा करो लाइक like, फेवरेबल जो पार्टीज हैं उनको ग्रांट ज्यादा मिलता था ठीक है ना सेम पार्टी रूल स्टेट्स को ग्रांट ज्यादा मिल जाता था वो एंगल जो है गड़बड़ होने लगा

ठीक है ना दिस इज द कोलिशन नाइनटीन नाइनटीज के बाद की बात कर रहा हूं मैं ठीक है ना जहां पे डोमिनेट करने लगी थी रीजनल पार्टीज एनडीए बनना यूपीए बनना ये एनडीए यूपीए क्या था ये यह ग्रुप था ओके okay? ये था एक कांग्रेस वहां पे डोमिनेट करती थी और एक बीजेपी का ग्रुप था बट यहां पे रीजनल पार्टीज भी साथ साथ आ रही थी ओके देवल और सो नो कमाइनिंग वो भी साथ आर कर रहे थे और अच्छा हो गया शॉर्ट्स वो डिसाइड करते थे ओके? डिसाइड इन सेंस कुछ जगह भी होती थी, रीजन कि रेलवे फैक्ट्री लगानी है रेलवे लाइन बिछानी है वो भी एक तरीके से बायस्ड डिसीजन होते थे जो जिस स्टेट के रेलवे मिनिस्टर होते थे वो उसी स्टेट के अंदर रेलवे लाइन लगा देते थे दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड सो रेशनैलिटी खत्म हो गई थी मतलब वहां पर भी गड़ का थे, थे, चीजों को समझते भी थे, okay? और confidence भी और उनमें आता था कि प्लेयर ठीक है ना ये एंगल यहां पे बनने लगा था ओके okay? सो so, चीजें ऐसी स्मूथली चलती रही आगे बढ़ती रही कहानी प्रेजेंटली क्या हुआ वॉट हैपन ओके नाउ वी अ सिंगल पार्टी थिंग BJP is the largest party they have the single party majority in this country okay and they are dominating the things and things are highly centralized चीजें बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हैं ओके सो द ग्रेटर ऑफ डिग्री ऑफ पार्टी सेंट्रलाइजेशन द हायर द पॉसिबिलिटी ऑफ फेडरल सेंट्रलाइजेशन आल्सो प्रेजेंटली बीजेपी के अंदर सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है एंड देर डोमिनेटिंग स्टेट एज वेल एज द यूनियन ओके इसलिए फेडरल रिलेशन में भी सेंट्रलाइजेशन आना वो यहां पर हो रहा है इज इंक्रीजिंग दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड ओके एंड स्टेट बेस्ड यूनिट स्टेट जो चीजें हैं वो अपना रेलिवेंस एक तरीके से धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं ओके okay? ये आपको समझना है ठीक है ना सो पार्टी लिंकेज Between different level of government are crucial, okay, for making and maintaining the federal compacts. This you have to understand. Party linkage, kaisa relation hai center और state ke अंदर जो party rule kar rahi hai unka wo decide karta hai federal compact kaisa hoga aapka okay? ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये आप regularly देखते रहिए और आप अपने answer में भी इसको लिखेंगे, okay? So there is no audio issue, I am like side by side, I am you know seeing it, okay? मैं भी देख रहा हूँ side by side, so don't you know like

वो विद इन एग्रीड फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए एंड द आइडिया इज दैट सेंटर शुड बी मोर मैग्नेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मोर मैगनेमस होनी चाहिए ओके लार्ज हार्टेड होनी चाहिए तब जाके वो चीजों को मेंटेन कर पाएगी छोटी छोटी बातों पे लड़ना नहीं चाहिए और इकोनॉमिक सेंस भी बनाता था देर वॉज वन इकोनॉमिक सेंस ऑल्सो कि वाई सेंटर शुड हैव बोरोड सेंटर शुड हैव बोरोड फ्रॉम मार्केट ओके इकोनॉमिक सेंस यहां पे, आई विल एक्सप्लेन यू दैट ओके सपोज हरियाणा इज देयर ओके पंजाब इज देयर ठीक है ना राजस्थान इज देयर ओके सो सेपरेटली दे वॉन्ट वन थाउजेंड करोर दे वॉन्ट फिफ्टीन हंड्रेड करोर दे वॉन्ट थ्री थाउजेंड करोर ओके सो नाउ इफ दे बार्गेन सेपरेटली सब लोग ये तीन हजार के लिए बारगेन करेंगे पंद्रह सो के लिए बार्गेन करेंगे हजार करोड़ के लिए बार्गेन करेंगे ओके सब लोग अलग अलग बार्गेन करेंगे सो so कलेक्टिव अगर बार्गेन करें ओके इफ दे यू नो बार्गेन कलेक्टिवली देन दे विल एंड अप बार्गेनिंग फॉर 5500 करोड़ एंड जो इंटरेस्ट रेट है इट कैन फर्दर बी रिड्यूस्ड ओके इंटरेस्ट रेट को और कम कराया जा सकता है इफ देर इज अ कलेक्टिव बार्गेन सो इफ यू सी द इकोनॉमिक सेंस तब भी सेंटर को ही कलेक्टिवली बार्गेन करके देना चाहिए था ओके okay? इकोनॉमिक सेंस भी यही बताता है ठीक है ना सो so, ये एंगल था और एट द एंड ऑफ द डे यही हुआ है ठीक है ना पार्टीज को अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के आना चाहिए ओके सो सुमित यू आर सेइंग इज सेंटर फेडरलिज्म गुड और बैड ओके सुमित यू आर सेइंग इज सेंटर फेडरलिज्म गुड और बैड सेंट्रल डोमिनेटेड फेडरलिज्म सो अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ओके सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एज आई टोल्ड यू मेघालय केस ठीक है ना सो मेघालय वी डिस्कस अबाउट इट ओके हाउ मेघालय इज हैविंग डिफरेंसिस विद असम पीपल आर नॉट हैप्पी दे आर प्रोटेस्टिंग ओके सो वहां पर उनके बीच में डिफरेंसिस चल रहे हैं सो इफ वी सी दैट एंगल दैट योर स्टेट्स आर फाइटिंग देयर इज यू नो वॉटर डिस्प्यूट इज देयर ठीक है ना वॉटर डिस्प्यूट है देन बॉर्डर डिस्प्यूट इज देयर बाउंड्री डिस्प्यूट कर्नाटका एंड महाराष्ट्र ओके दे आर हैविंग अ बाउंड्री डिस्प्यूट ऑल्सो कर्नाटका महाराष्ट्र things are not clear at their end. so if we see these disputes, then we can definitely see, say that you need a strong union. Okay, strong union upco, honacheye. then apart from that, we have the separatist tendency also. Okay, northeast region, can there be there was separatist tendency. The nagaland issue is still going on. then J&K issue is still going on. Okay. so if we see from that perspective again, we can definitely see that we, can, we should have a strong center. ठीक है ना स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए ओके ये आपको समझना पड़ेगा ओके चलिए तो आगे देखिए लेट्स एड्रेस दिस सर सेंटर शुड बोरोट इट विल हेल्प द स्टेट वेरी वेल ओके साइक आई है एचपीएस यू आर सींगट सेंटर है बोरो फंड ये देव टू रिटर्न ओके बट ये लॉन्ग टर्म बोरो कर सकते हैं ना सेंटर तो लाइक वर्ल्ड बैंक और बाकी इंस्टीट्यूशन से भी बोरो कर सकता है सेंटर हैज मल्टीपल ऑप्शन ऑल्सो ओके इवन इफ सेंटर डो नॉट वॉन्ट टू बोरो फ्रॉम मार्केट इट दे कैन अप्रोच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ओके वहां से पैसे का जुड़ाड़ कर सकते हैं यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग सेंटर की रीच बहुत बड़ी है सेंटर के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है ओके स्टेट लेट्स वो ऑप्शंस नहीं एंजॉय करते हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंदर ओके सो लेट्स डिस्कस दिस वन देयर मस्ट बी एन ओवरहॉल ऑफ रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फर्म्स एंड देयर डिलीवरेबल्स ओके सो डिस्कॉम से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है ना एज आई टोल्ड यू देखते हैं एग्जैक्टली exactly क्या है इसके अंदर व्हाट दे आर सेइंग चलिए सो वेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी चेन योर डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आर द वीकेस्ट लिंक एंड मोस्ट ऑफ दैम आर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ओके सो लाइक अपार्ट फ्रॉम यू नो मेट्रोपोलिटन सिटीज वहां पर फिर भी लाइक रिलायंस इज देयर टाटा इज देयर बट मोर और लेस पी एस यू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिस्कॉम ही हैं एंड दे आर स्टेट रन ऑल्सो स्टेट रन है ठीक है, है ना स्टेट ही उसको चला रहा है ठीक है ना अच्छा अब बात ऐसी रहती है कि वेन वी टॉक अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट एनर्जी ओके वी कांट हैव एन इन एफिशियंट डिसकॉम तो जब आप इतने बड़ी विजन लेके चल रहे हो वी आर यू नो हैविंग ए विजन ऑफ स्मार्ट एनर्जी एंड ऑल सो वी कांट वर्क विद द थिंग्स विच आर गोइंग प्रेजेंटली ओके एंड डिस्कॉम इज द वीकेस्ट लिंक इन द सेंस दैट दे आर हाईली इनएफिशियंट हाईली इनएफिशियंट ओके डेट इतना ज्यादा है एंड इन एफिशियंसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्मेंट ऑल्सो वो भी रेस्पॉन्सिबल है वील लुक इन टू दिस क्या ये कहते हैं ओके सो नो डाउट थिंग्स हैव इंप्रूवड एटलीस्ट ऑन दिस एंड स्कैरसिटी ऑफ पावर इज ओवर सो अर्लियर देर यूज टू बी ट्वेल्व आवर्स कट इज देयर सिक्स आर कट इज देयर सो वो सिचुएशन अब यहाँ पे नहीं है ठीक है ना सो इफ यू सी फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव सिचुएशन हैज इम्प्रूव डेफिनेटली वाइल्ड द फिजिकल सप्लाई सिचुएशन हैज इंप्रूव नो डाउट अबाउट इट बट फाइनेंशियल पिक्चर हैज नॉट ब्राइट एंड मच फाइनेंशियल पिक्चर क्यों दे आर अंडर अ हैवी डेट ओके जो डेट है वो बहुत हैवी है ठीक है ना दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड then state subsidy that is also responsible for it okay so punjab is giving free electricity haryana is giving free electricity to farmers theek hai na aisa hota hai okay so us angle pe major misuse hai ye aapko samajhna padega और वही जो है खराब policy आप बनाते हो तो उसका end result ये होता है कि आपके institutions weak होना शुरू हो जाते हैं दे come under pressure okay सो दिस इज द रियलिटी सो एज पार्ट ऑफ आर स्टमस पैकेज 90,000 थाउजेंड करोड़ जो है वो एक तरीके से डिस्कॉम के लिए रखा गया था ठीक है ना और ये रिक्वायर्ड था ओके okay? बिकॉज डिस्कॉम्स को वन लैख करोड़ के राउंड देना था इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स को ओके okay? डिस्कॉम्स को वन लैख करोड़ के राउंड देना था ठीक है ना सो so, ये आपको समझना है ठीक है तो उसको देने के लिए 90,000 करोड़ रुपीस स्टिमुलस पैकेज का पार्ट बना के दे दिया गया ओके सो दिस पर्टिकुलर जो फिगर आया है 1 लाख ,00 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास का लाख करोड़ के आसपास का इट केम फ्रॉम द प्राप्ति पोर्टल सो so ये बेसिकली प्रोक्योरमेंट के लिए किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोक्योरमेंट के लिए ओके पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट ठीक है फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन एन ऑफ जनरेटर यह प्राप्ति पोर्टल है ओके सो अगेन यू कैन मेंशन अबाउट दिस पोर्टल इन योर ई गवर्नेंस ऑल्सो इफ यू आर यू नो एड्रेसिंग एनी क्वेश्चन ऑन ई गवर्नेस देर ऑल्सो यू कैन राइट दिस एज एन एक्साम्पल दैट वी हैव अ प्राप्ति पोर्टल ओके एंड इफ यू आर राइटिंग एनी क्वेश्चन ऑन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स ओके पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो इफ यू आर एड्रेसिंग दैट क्वेश्चन देयर आल्सो यू कैन मेंशन अबाउट द प्राप्ति पोर्टल व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग टू इंप्रूव द सिचुएशन ठीक है ना पावर सेक्टर रिफॉर्म के अंदर यू कैन मेंशन अबाउट द प्राप्ति पोर्टल ओके सो ये जो आंकड़ा आया दिस इज पार्शली रॉन्ग दे आर सी दैट पावर फाइनेंस कोऑपरेशन रिपोर्ट ओके इन ट्वेंटी द डिसकॉम्स ओके दे यू नो ओ नियर अबाउट टू पॉइंट टू सेवन लैख करोड़ की जो अमाउंट प्राप्ति पोर्टल से आया ये जो है बहुत ही कम है एग्जैक्ट अमाउंट इतना होगा 2.27 लाख करोड़ इतना जो है पैसा डिस्कॉम्स को देना है जनरेटर्स को ओके okay? गड़बड़ आती है एंड एज आई टोल्ड यू वो टाइम पे क्यों नहीं पे कर पाते हाईली एफिशियंट दे आर आर हाईली हाईली सॉरी ओके ओके दे दिस इज द प्रॉब्लम इंक्लूडिंग द हाई लॉसिस एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसिस जो है वो बहुत हो ज्यादा होते हैं ट्रांसमिशन लॉसेज बहुत ज्यादा होते हैं यू आर यूजिंग द ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी पावर लाइन 40 40 50 50 साल पुरानी है ओके okay? वो अभी तक इन्होंने ठीक नहीं की है ये सारी प्रॉब्लम देन थेफ्ट की प्रॉब्लम है ओके लैक ऑफ कलेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर्स ओके इलेक्शन आ गया ठीक है ना बिजली के बिल माफ कर दो जी इलेक्शन आया बिजली बिल माफ ओके दिस इज द प्रॉब्लम पॉपुलिस्ट जो आप तरीके ले रहे हो पॉपुलिस्ट जो पॉलिटिकल गेम खेला जाता है उसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है ओके okay? उसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है ठीक है ना ये आपको समझना है

जब आप बात करते हो जो रेगुलेटर्स टैरिफ को फिक्स करते हैं ओके okay, प्राइसिंग आपको करनी पड़ती है यू हैव टू डिसाइड द टैरिफ वो कॉस्ट रिफ्लेक्टिव नहीं होता मींस आप जो है बिजली सस्ती के चक्कर में जितना इनपुट कॉस्ट लग रहा है उतना भी नहीं लेते ओके okay, तो व्हेन यू आर अर्निंग लेस डेफिनेटली यू विल बी स्पेंडिंग लेस इन इंप्रूविंग द क्वालिटी जब आपका रेवेन्यू कम आ रहा है तो नो डाउट क्वालिटी जो है अच्छी नहीं मिलेगी इसलिए पावर कट्स वगैरह होते हैं ओके दिस इज द मेजर प्रॉब्लम अच्छा सो ए सेवेंथन ओके ऑफ द डिस्कॉम को स्ट्रक्चर इज मेंट टू बी कवर्ड थ्रू सब्सिडीज बाय द स्टेट गवर्नमेंट नाउ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है बट टाइम पे नहीं करती रिलीज ऑफ फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके रिलीज ऑफ फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इज अ डिले ऑल्सो समटाइम्स मेजर डिले होता है इसके अंदर ये सारी समस्याएं जो हैं वो चल रही हैं अभी स्टेट्स एज डिफॉल्टर्स स्टेट गवर्नमेंट्स आर द बिगेस्ट डिफॉल्टर्स ओके क्यों डिले कर देते हैं ठीक है ना नो no डाउट जो शॉर्टफॉल है सब सब्सिडी पेमेंट का वो नियर अबाउट ओनली वन परसेंट होता है बट इफ यू सी इन इन्यूमलेटिव टर्म्स और द लास्ट टेन इन वो नियर अबाउट सेवेंटी है मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट पेइंग टू टू द गवर्नमेंट ऑल्सो अपने ही डिपार्टमेंट जो है उसको डिस्कॉम जो है वो स्टेट ही रन कर रहे हैं उन्हीं कोई पैसे नहीं देते सत्तर हजार करोड़ ओके मल्टीपल स्टेट्स का जोड़ के होगा ये ठीक है ना तो ये सिचुएशन है सो नाउ कोविड केम इन कोविड आ गया कैश फ्लो जो है वो और ज्यादा कम हो गया ठीक है ना कैश फ्लो एकदम रुक गया ओके डिमांड जो है वो एकदम कम हो गई बिकॉज कॉमर्शियल यूनिट्स कोई काम नहीं कर रहा था ठीक है ना हाउस होल्ड सिर्फ घर में थे ओके कॉमर्शियल यूनिट्स काम नहीं कर रहा था एंड दिस इंपैक्टेड द रेवेन्यू तो डिस्कॉम्स प्रेजेंटली और भी ज्यादा खतरे में है ओके बिकॉज ऑफ कोविड क्योंकि उनके पास रेवेन्यू आ ही नहीं रहा है कहां से वो एक तरीके से चीजों को इंप्रूव करेंगे ओके सो so, लिक्विडिटी को बढ़ाना था दे डोंट हैव द कैश लिक्विडिटी को बढ़ाना था इसलिए 90,000 करोड़ दिया गया ओके okay, अच्छा सो वेन इट कम्स टू हेयर कट हेयर कट इन सेंस अगर कोई एसेट है उसकी प्राइस कम करनी है ओके okay, मतलब किसी के बिजली के बिल माफ करने हैं सपोज इफ यू वॉन्ट टू यू नो लाइक वेव द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फार्मर्स ओके इफ स्टेट गवर्नमेंट कम विद आईडिया तो पूरा का पूरा जो लॉस होता है वो आपके डिस्कॉम को ही झेलना पड़ता है ना तो जनरेटर को झेलना पड़ता ना ही ट्रांसमिशन कंपनी को झेलना पड़ता ओके okay, तो ये भी एक तरीके से गड़बड़ है अगर कोई हेयर कट होगा हेयर कट इन द सेंस लाइक अगर आप चीज़ों को माफ कर रहे हो ठीक है ना तो उस केस में भी सारा प्रेशर जो है वो जो है आपके डिस्कॉम पे आएगा दे विल टेक द डायरेक्ट प्रेशर ओके सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच नीड टू बी एड्रेस ओके सो वी डू नॉट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम सो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी हैव टू यू नो लाइक इंप्रूव थिंग्स वेरी यू नो एज अर्ली एज पॉसिबल ओके बिकॉज रिन्य से बढ़ेगा फिर जो आपका प्रीमियम कस्टमर है, DISCOM. तो DISCOM है उसके ऊपर अपनी डिमांड को खत्म कर देगा क्यों वो अपने solar, solar खुद लगाएंगे इन्फोसिस okay? की अगर आप बात करोगे सो दे है पावर प्लांट बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट है दे आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जो अपने लिए खुद को चाहिए ठीक है ना मेगा के अंदर वो एक तरीके से बना रहे हैं ओके सो so, डिस्कॉम नहीं होता डिस्कॉम होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ओके इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ओके डिस्कॉम ये होता है ठीक है ना तो ये आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ओके सो सो ये भी डर है लाइक बैटरी टेक्नोलॉजी एक बार अच्छे से आ गई तो so डेफिनेटली वो अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर भी करना शुरू कर देंगे सो देर डिपेंडेंसी विल डेफिनेटली रिड्यूस ना उनकी डिपेंडेंसी ओवरकम हो जाएगी ओके एंड दे माइट चूज द थर्ड पार्टी सप्लायर ओके ऑल्सोटिव मॉडल वो अपने लिए करवाएंगे तो थर्ड पार्टी सप्लायर ले लेंगे ओके स्टेट डिस्कॉम पे अपनी डिपेंडेंस को ही खत्म कर देंगे दिस इज द आइडिया सो दैट्स वाइब टाइम नहीं है अब ओके सो एटीएनसी लॉस आपने कंप्लीट कर दिया ट्रांसमिशन लॉस लाइक इफ यू हैव इंप्रूव ऑन दैट पार्ट दैट इज नॉट सफिशियंट उससे काम नहीं करना पड़ेगा आपको पूरे के पूरे सिस्टम को ही बदलना पड़ेगा ओके okay, ताकि उनको एफिशिएंट बनाया जा सके ये आइडिया है ठीक है ना अच्छा इन एफिशियंसी को हम कैसे टॉलरेट करते हैं डू वी वी सी दैट ओके पुअर विल नॉट बी एबल टू पे पे लोग pay नहीं कर पाएंगे इसलिए टैरिफ नहीं बढ़ाना चाहिए ये करते हैं ना हम बट इसके चक्कर में हो कह रहा है क्वालिटी सप्लाई जो है वो नहीं हो पा रही है ओके सो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू टेक सम डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट्स यू नो कैन सब्सिडाइज इट फॉर पुअर के लिए वो सब्सिडाइज कर दें कुछ कुछ ओके okay. वो वैसा कुछ इनोवेटिव चीजों को करना पड़ेगा अदरवाइज इस चीज को आप समझिए एड्रेस करना बहुत जरूरी है देन अगेन पॉलिटिकल डोल आउट और फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिस शुड एंड ये जो पॉलिटिकल गेम खेला जाता है ना पॉपुलिस्ट जो मेजर होते हैं दिस शुड एंड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एड्रेस दिस ओके देन जो टैरिफ होना चाहिए आपका वो कॉस्ट रिफ्लेक्टिव होना चाहिए जितना इनपुट जा रहा है एटलीस्ट उतना तो ले लो ओके फ्री इलेक्ट्रिसिटी क्यों दे रहे हो लाइक वाई आर यू गिविंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर्स, ठीक है ना सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक देर आर मल्टीपल पीपल हु विल स्टेट दैट प्राइवेटाइजेशन इज द सोल्यूशन नो प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ सिल्वर बुलेट ठीक है ना उससे प्रॉब्लम ओवरनाइट ठीक नहीं होने वाली है आपकी ओके सो इफ थिंग्स गो एज यूजल सो सिचुएशन एज इट इज रहेगी ओके okay? सो so आपको समझना पड़ेगा लाइक यू हैव टू यू नो रियली इम्प्रूव थिंग्स ओके सो जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलेगा ओके दिस इज द यू नो थिंग दैट दे हैव एक्सप्लेन ये आपके एडिटोरियल में आज एक्सप्लेन की गई है ओके दैट्स इट फॉर टूडे देन ओके एज द सेम तेलंगाना ऑल्सो बाय इलेक्शन दुबका ओके एचपी सियन आंध्र प्रदेश नाउ सेटिंग मीटर फॉर फार्मर्स एज डिस्कॉम फेसिंग लॉसेज एज गवर्नमेंट गिविंग लेस फंड एज कंपेयर टू कॉम्पनसेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये स्मार्ट मीटरिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड ओके एट द हाउस होल्ड लेवल ऑल्सो लोगों को परसुएट करना पड़ेगा दैट रूफ ऑफ सोलर सोलर प्लांट इज रिक्वायर्ड ओके तो डिपेंडेंसी तो आपको कम करनी ही करनी पड़ेगी ठीक है ना सर ई इज़ फ्री थिंग्स टू पीपल गुड और बैड साहिल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ओके सो देर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो ठीक है ना कि फ्री बीज ओके फ्री बीज की अगर हम बात करें या फ्री थिंग्स टू पीपल ओके पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इलेक्शन के टाइम पे प्रोमिस करती हैं ठीक है वी कंसिडर दैम पॉपुलिस्ट ओके पॉपुलिस्ट माना जाता है क्यों ये जो फ्री होता है ना दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ स्टेट इंटरवेंशन सरकार के इंटरवेंशन से होता है ओके सो नाउ जो मार्केट है जो प्राइवेट प्लेयर है दे आर नॉट हैप्पी विद दिस ठीक है ना प्राइवेट प्लेयर इसको पसंद नहीं करते क्या फ्री में क्यों दे रहे हो हमारे लिए बिजनेस स्पेस जो है उसको कम कर रहे हो ओके सो दे आर बेसिकली कंस्ट्रेनिंग द बिजनेस स्पेस बिजनेस स्पेस को कंस्ट्रेन क्यों किया जा रहा है ओके okay, ये एंगल है ठीक है ना तो ये अब दूसरा एंगल है वी सी फ्रॉम द पुअर परस्पेक्टिव तो आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इंप्रूव करना है ओके okay? लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को तो इंप्रूव करना है ना डीपीएसपी में मेंशन है ना ये लाइक दिस हैज बीन मेंशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओके सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से देते हैं देन लाइक इफ यू आर गिविंग फ्री बीज तो डेफिनेटली उनको उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इम्प्रूव होता है ओके सो इफ यू आर यू नो गिविंग फ्री साइकिल टू गर्ल चाइल्ड डेफिनेटली शी विल बी एबल टू यू नो एजुकेट हर सेल्फ ओके फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट इज फाइन सो देर आर प्लस एंड माइनसेज बोथ आर देयर ओके फ्रॉम द मार्केट परस्पेक्टिव व्यू सी फ्रॉम द प्राइवेट परस्पेक्टिव यू सी इट इज नॉट गुड बट इफ यू सी फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग परस्पेक्टिव डी का एंगल ठीक है ना देन इट इज फाइन फ्री बीज तब यह जस्टिफाइबल वाई आपके जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो भी डायरेक्टली मना नहीं करते हैं कि फ्री बीज नहीं होनी चाहिए ओके सो बेसिकली वट दे केम अप अगर इलेक्शन प्रोमिस किया सो इलेक्शन कमीशन कैन आस्क द पार्टी सर आप फंड कैसे अरेंज करोगे ओके यू आर प्रोमिसिंग थिंग्स वर्थ सिक्स थाउजेंड करोर्स फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू मैनेज दैट ओके आप कहां से पैसा लाओगे इतना ये एक तरीके से मॉनिटरिंग का एंगल थोड़ा दिया है अदरवाइज कंप्लीटली बैन उन्होंने भी नहीं किया ओके बिकॉज डेफिनेटली इट इंप्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इफ समवन इज प्रोवाइडिंग द फ्री लैपटॉप ओके फ्री लैपटॉप दिया जा रहा है सो so डेफिनेटली उसका जो जिसको वो मिलेगा लैपटॉप उसका पॉजिटिव यूज भी होगा ओके सो यू हैव टू राइट थिंग्स इन अ बैलेंस्ड वे ठीक है ना फ्रॉम द मार्केट परस्पेक्टिव से ठीक है ऐसा होगा फ्रॉम द स्टैंडर्ड लिविंग परस्पेक्टिव ठीक है पॉजिटिव भी हैं ओके okay? ये आपको समझना है बट ये है कि फ्री बीज की आदत भी नहीं पड़नी चाहिए देर इज अल हजार्ड ऑल्सो दिस एंगल इज देयर मोरल हजार्ड ठीक है ना ये भी डर होता है इस चीज का ओके okay? कि आपने पॉपुलेशन को फ्री फ्री की आदत डाल दी सब कुछ फ्री 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 तो एक तरीके से गड़बड़ होगी ही होगी वो आदत वैसी की वैसी पड़ जाएगी ओके okay?